फ्रेंड्स, बिट्टू की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे पुष्प के भाग तथा परागण के बारे में। फ्रेंड्स, क्या आपने पुष्प देखे हैं? कितने सुंदर और रंगीन होते हैं ये पुष्प। मैं आपको इस चित्र से पुष्प के सभी भाग बताती हूँ। जहाँ डंडी से पुष्प शुरू होता है उस भाग को पुष्पासन कहते हैं। आसन से जो ये हरे रंग की संरचना है उसे वाहदलपुंज कहते हैं, जो कली की अवस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं। आप जानते हैं यह चटक आकर्षक और रंगीन भाग है उसे क्या कहते हैं? मैं बताती हूँ, इसे दल कहते हैं और एक से अधिक दल को दलपुंज कहते हैं। यह सबसे आकर्षक भाग होता है जो कीट को आकर्षित करता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं पुष्प पौधे के जननांग होते हैं? इसमें नर या मादा या नर और मादा दोनों ही भाग पाए जाते हैं। ये नर भाग को पुंकेसर तथा मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं। जब पुष्प में नर या मादा केवल एक लिंग होता है तो उसे एकलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे सेम, कद्दू, लौकी आदि। और जब पुष्प में दोनों लिंग पाए जाते हैं तो उसे द्विलिंगी कहते हैं, जैसे कि गुड़हल, सरसों। आइए आपकी पाठ्य पुस्तिका से स्त्री केसर तथा पुंग केसर की संरचना को समझते हैं। स्त्री केसर के अग्रभाग को वर्तिकाग्र कहते हैं और उसके नीचे जाने पर नली जैसी वर्तिका पाई जाती है। उसके नीचे चौड़ा भाग अंडाशय होता है जिसमें अंडाणु होते हैं जो कि मादा युग्मक हैं। आइए अब बात करते हैं पुंग केसर की। ये डंडी जैसा भाग पूतंतु कहलाता है। उसके आगे का भाग परागकोश कहलाता है जिसमें परागकण होते हैं। परागकण ही नर युग्मक होते हैं। क्या दोस्तों, क्या आप जानते हैं परागण क्या होता है? आइए मैं बताती हूँ। मैं इस चित्र के द्वारा आपको परागण के बारे में बताऊंगी। जब परागकोश से परागकण हवा या कीटों द्वारा स्त्री के सिर के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो वो परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो वो स्वपरागण कहलाता है। दूसरे पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो वह परपरागण कहलाता है। वर्तिकाग्र पर एक चिपचिपा तरल पाया जाता है जिसे मकरंद कहते हैं। इस मकरंद को सूखकर परागकण फूल जाते हैं। परागकण से एक धागेनुमा संरचना अंकुरित होकर अंडाणु की तरफ बढ़ती है। यहाँ पर मादा युग्मक तथा नर युग्मक का संयोग होता है जिसे निषेचन कहते हैं और भ्रूण बनता है। इस भ्रूण से बीज बनता है, बीज से नया पौधा और यही चक्र चलता रहता है। मुझे आशा है कि आप पुष्प के सभी भागों को समझ चुके होंगे।